नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2011 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ द पावर एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट पहला ऑप्शन है एट द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी या फिर सेकेंड ऑप्शन है एट द इंस्टेंस जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ या फिर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल थ्रूआउट चौथा ऑप्शन है एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर बॉडी इज प्रोजेक्टेड नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे uh, कि किस केस में uh, सवाल यह है कि पावर एग्जर्टेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स कब सबसे ज्यादा होगी नाउ इसको अगर आप नोटिस करें तो सवाल ये है कि आपकी अर्थ uh, गोला है उसका रेडियस आ रही है आपने इसको ऐसे फेंका कि इसने एच हाइट अचीव कर ली एच uh, यहाँ पे हमें जस्ट uh, आ, वो वैल्यू दी हुई है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ये आंसर अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ना भी हो तो भी सेम आंसर आएगा अगर इसकी वैल्यू दो चार पाँच दस बीस मीटर कहते तो भी आंसर सेम ही रहता राइट तो इस केस में सवाल ये है कि पावर सबसे ज़्यादा कहाँ होगी नाव हमें यह पता है कि पावर इज इक्वल टू एफ़ डॉट वी होता है आ, पावर आपकी स्केलर क्वान्टिटी एफ और वी आपके दोनों वैक्टर क्वान्टिटी उनका हम हमें डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें जो चार स्नैरियो दिए हुए हैं सबसे पहला स्नैरियो है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट पे सेकेंड uh, स्नैरियो है ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ऐसे आते हुए चौथा स्नैरियो है कि जब आप ऊपर फेंक रहे हैं सॉरी ये तीसरा स्नैरियो है Uh, right, तीसरा तो ये कह रहा है कि इट रिमेंस कांस्टेंट ऑल द टाइम चौथा कहता है एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड ये आपका चौथा एरिया है नाउ ऑप्शन नंबर सी ऑफ कोर्स गलत है बिकॉज इसकी वी विल कीप ऑन चेंजिंग तो एफ डॉट वी आपका अलग अलग वो रहेगा नाउ इस केस में अगर हम फोर्स को देखेंगे फोर्स आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है फोर्स अगर नियर टू अर्थ है तो इसको हम एम मान सकते हैं अदरवाइज ये जी एम एम आर स्क्वायर है और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होएगी वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होएगी नेगेटिव डायरेक्शन में होएगा सो दिस विल बी इक्वल टू इसको भी स, चलो ऐसे लिख लेते हैं जी एम एम बाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो है ये हमेशा माइनस आई कैप इस डायरेक्शन में ही रहेगा फोर्स नाउ वेलोसिटी जो है आपकी यहाँ से जब हमने फेंका तो वी वेलोसिटी थी तो इसको शुरू वाले ये चौथे पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी वी आई कैप यहाँ पे वी की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे वेलोसिटी विल बी इन माइनस सॉरी इसको जे कैप लिख लेते हैं सो दिस विल बी प्लस जे कैप ये वाली माइनस जे कैप की डायरेक्शन में आएगा और ये फोर्स भी आपका जे कैप रहेगा राइट सो so, ये आपके फोर्सेस की डायरेक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे इस जगह पे आपकी पावर इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द सिंपल रीजन कि आपकी वहाँ पे वेलोसिटी जीरो है इस केस में देखेंगे तो आपका फोर्स माइनस है तो आपका चौथे वाला केस जो है उसमें फोर्स माइनस है और वेलोसिटी जो है वो जे कैप आ जाएगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी है ना तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी जो आपका सेकेंड केस है ठीक है विच इज़ ये वाला केस उसमें आपका फोर्स माइनस जे कैप है डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए बी माइनस जे कैप है तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू आएगी विच मीन्स और पॉजिटिवल्यू क्या होगी जी एम एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई आपका वी नॉट जिससे आपने फेंका है सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर आपकी सबसे ज़्यादा होएगी हैंस बी वुड बी द राइट चॉइस